हमारे जमाने में 6-6 घंटे वाली भी देखे थे। अरे बाप रे, 6 घंटे 3 बार इंटरवल हुआ था। गुड मॉर्निंग, ऐसे होती है। वेरी नाइस, क्रेजी गर्ल। और विच वॉज स्टूपिड आई नो, कैसा लगा टाइगर दिखा हम लोगों को। हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो, एक्चुअली न्यू वीडियो एंड अ न्यू लोकेशन। यस गाइस, आई एम हियर इन ताड़ोबा नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में आता है। और इस बार मैं अकेले नहीं आई हूँ, ना ही दोस्तों के साथ आई हूँ। आई एम फॉर अ फैमिली गेट अवे विद माई फैमिली ऑब्वियसली। एंड दिवाली के बाद हर साल ऐसा होता है कि हम एज फैमिली लाइक कहीं ना कहीं जाते हैं, और इस बार 2-3 दिन का कहीं ऐसा छोटा सा ट्रिप करना था, बिकॉज राइट आफ्टर दिस ट्रिप वी हैव अ फैमिली वेडिंग। सो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, एंड उसके बाद फिर मुझे भी जाना है नेक्स्ट मेरे ट्रैवल प्लान के लिए। तो वी डिसाइडेड टू कम हियर एंड दिस इज़ अ प्लेस, ताड़ोबा नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर के पास आता है। और इसकी सारी डिटेल जो है ना वो आपको पता चल जाएगी धीरे धीरे, मैं बताऊँगी इस वीडियो में। बट ये रायपुर से लेके ताड़ोबा नेशनल पार्क का जो डिस्टेंस है वो है 350 किलोमीटर्स, और हमें यहाँ पहुँचने में लग गए अराउंड 6 घंटे, क्योंकि हमने रास्ते में कहीं स्टॉप नहीं लिया था एक्सेप्ट पेट्रोल भरवाने के, कहीं पे भी ऐसा स्टॉप नहीं लिया। और हम डायरेक्टली आ गए, सुबह 5 बजे निकल गए थे, 5:20 अराउंड हम निकल गए थे रायपुर से, और हम यहाँ पर पहुँच गए 12 बजे। थोड़ा सा आधा घंटा कहीं पर रुके होंगे, बस दैट्स इट। तो इस जर्नी वॉज क्वाइट ओके। रास्ते कुछ कुछ बीच में ख़राब आते हैं, बट एक्सेप्ट दैट अच्छे रास्ते हैं। हाँ जी, और बड़ा नेशनल पार्क है, और आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा लेटर हम बात करेंगे जब हम सफारी के लिए जाएंगे और ये सारी चीज़ें। बट बिफोर दैट, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि हिमानी कहाँ पर स्टे कर रहे हो, कितना कॉस्ट है और कौन सी जगह है, ये सब भी आप लोगों को जानना होता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी में रुक रही हूँ, जो कि है ताड़ोबा जंगल कैंप। इनकी एक और प्रॉपर्टी कान्हा में भी है, जहाँ पर हम आई थिंक लास्ट ईयर दिवाली के बाद गए थे तो हम वहां रुके थे। और इस बारी वी आर हियर इन ताड़ोबा जंगल कैंप, और आप लोगों को क्विकली मैं दिखा देती हूँ हमारा रूम, जो कि काफी अच्छा है, काफी क्यूट है, और अच्छी वाइब आ रही है, लाइक बहुत ही प्यारी। यस, बहुत ही शांति लगती है। जंगल मुझे इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर काफी शांति होती है और आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। एंड व्हेन यू आर विद फैमिली देन डेफिनेटली आपको वो टाइम मिल जाता है चिल, नेटवर्क होता नहीं है फोन में, आप मस्त बातें शातें कर सकते हो और चिल कर सकते हो। यस, तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द रूम टूर, लेट्स गो। तारिका की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि यस ऑब्वियसली, आजा हम रूम दिखाते हैं सबको। यप, हेलो एवरीवन, कम इन, वेलकम टू आवर रूम इन ताड़ोबा जंगल कैंप। एज आई मेंशन कि हम आ गए हैं ताड़ोबा नेशनल पार्क में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड इट्स अ फैमिली वीकेंड गेट अवे, सो वी आर गोइंग टू बी स्टेइंग हियर फॉर 2 नाइट्स। और मैं आपको जल्दी से ना ये हमारा रूम दिखा देती हूँ, क्योंकि काफी अच्छा है, काफी सुंदर लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले जैसे एंटर करोगे यहाँ पे, दिस इज अ केटल एंड एवरीथिंग, कॉफी वॉफी चाय वाय बना सकते हो अपनी, एंड देन दिस अ पाउडर वॉशरूम, तो ये है, एंड देन दिस अ मेन वॉशरूम, so shower and sink and bombing area and everything, okay. And then this beautiful room which I am literally very obsessed with, yahan par luggage wagera rakhne ka bhi thoda sa area hai, and this is king size bed jahan par abhi thodi main aaram karne wali hu, kyunki kafi lambi journey ho gayi, I mean 5-7 hours lag gaye main yahan par aate aate Raipur se, yeah. And then there is a single bed, to is single bed pe मतलब फैमिली रूम है, तो यू हैव 4 different beds, लाइक यहाँ 2 लोग सो सकते हैं, यहाँ एक और ऊपर भी है, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड देन देयर इज अ स्टडी टेबल, इफ यू वांट यू कैन वॉक हियर, यस। और बाहर में जो है यहाँ पर बालकनी है, तो बालकनी में यू कैन जस्ट हैव अ टी, एंजॉयिंग द व्यू। यहाँ पे ऑलरेडी मम्मी पापा बैठे हुए हैं, तो ये है बालकनी, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसे जंगल जंगल वाला, और ऊपर से जो है वो लेक का भी व्यू दिखता है। तो चलो ऊपर चलो, बंद कर देते हैं। और इसकी स्टेयर्स जो है ना काफ़ी अतरंगी सी है, तो मैं भी केयरफुल। तारिका जो है ये सिंगल बेड है, और ये जगह पे कब्जा मैं करने वाली हूँ फॉर टुनाइट,
कल टाइगर सो सकती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ रात को यहाँ से मैं सारे स्टार्स देखूंगी, आई हाई विद अ व्यू, जस्ट थोड़ा सा इधर आके थोड़ा व्यू भी दिखा दो, मतलब आ हा क्या व्यू है, वेरी नाइस। यहाँ पे चिल मारो, सो जाओ, जो करना है वो करो, और एंटायरली आपको नीचे का भी एरिया एक बार यहाँ से दिखा देते हैं कि कैसा है। तो दिस इज़ द रूम, और ये है एलिवेटेड रूम इन ताड़ोबा जंगल कैंप, जो कि यू कैन बुक। एवरीवन, सो अब हम आ गए हैं लंच के लिए इन द रेस्टोरेंट इटसेल्फ, और यहाँ पर अभी हम लंच करने वाले जो कि बुफे है, और मुझे होटल्स में ब्रेकफास्ट लंच ही बुफे में काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वेराइटी जिसमें से आप थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, और वेराइटी ज़्यादा मिल जाती है, दैट्स वाई आई लाइक बुफे इन होटल्स पर्टिकुलरली स्पेशली। तो या आई कांट वेट, तो मुझे काफ़ी भूख लग चुकी है, तो लेट्स गो एंड हैव लंच। लंच करने के बाद ये हाल होता है। अच्छा था, ज़्यादा ही खा लिया। आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा था लंच? बोलो माइक में। बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अभी ये व्यू भी अच्छा है काफ़ी यहाँ से। बाय द वे, इसके साथ ये है गाइस, आप लोगों को जैसे बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पे तो स्टोरी डालते रहते, तो इफ़ यू गाइस आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन डेफिनेटली यू शुड। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ wanderlust_himani, सो यस डू फॉलो मी राइट देयर। उसको मत फॉलो करना क्योंकि इसका प्राइवेट अकाउंट है, आप इसको कोई मतलब नहीं है फॉलो करें, फॉलो रिक्वेस्ट भी भेजोगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उनको कर लेती हूँ। रूम में चलते थोड़ा सा आराम करेंगे, और उसके बाद इवनिंग में यहाँ पर बड़ा ही रिलैक्सिंग है, जैसा मैं बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, अभी चिल आराम करेंगे, उसके बाद फिर देखते क्या करें। लेट्स गो। लेट है, तो अभी क्या करना है? नैप लेके इतना अच्छा लग रहा है ना। मैं वैसे बाय द वे आपको एक जल्दी से एक बात बता देना चाहती हूँ, ताड़ोबा जंगल कैंप की बहुत ही खास बात है ये कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, द इंटीरियर, द लाइक डिकोर पीसेज एंड एवरीथिंग मेड आउट ऑफ लाइक सब कुछ रिसाइकल करके बनाया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई कैन शो यू दिस पार्टीशन, सो ये पार्टीशन में जो ये लकड़ियाँ लगी हुई है, ये पेड़ों की लकड़ियाँ हैं, और इनको अच्छे से इसमें थोड़ा पॉलिश वॉलिश करके जो है इसको यहाँ पे लगा दिया गया है। ऐसे ही इफ़ यू कैन सी, देयर्स अ टेबल राइट हियर, जिसको ये भी पेड़ के उससे बना हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मॉल लिटिल थिंग्स, दे आर मेड आउट ऑफ लाइक सारी चीज़ें रिसाइकल की गई है। तो दिस इज़ अ थिंग आई लाइक द मोस्ट, और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स दे डोंट यूज़, दे लिटरली लाइक बिल्कुल ही कोई भी प्लास्टिक बॉटल यूज़ नहीं करते हैं पानी के लिए। आपको अपने रूम में मिलेंगी ग्लास वाटर बॉटल्स, जिसको आप बार बार रिफिल करा सकते हो, एंड दैट्स रियली रियली अमेजिंग थिंग। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, कह रहा मैं, मेरा अटेम्प्ट तो सही था गाइस। मेरा यहाँ लगा था, गाइस मेरा यहाँ लगा था 60 पे तारीख का, यहाँ बाहर जाके लगा, मतलब 1% निशाना सही नहीं है। अब मैडम थोड़ा दूर जाओ, ये देखो अभी भी तुम फेल, यहाँ से करो, यहाँ से इतना कोई ऐसा नहीं हुआ, बस यस अब करो गाइस। ये देखो, अब चलो मैं ये ले पकड़, देखो गाइस मेरा निशाना देखो, 1 2 एक और बार अगर मैं ट्राई करूंगी तो कितनी खुश हो रही है, और दे दो तुझे। हाँ, प्लीज चल, तेरा अफ्तारी का पचका होगा। Several bad puns later. Hi. What's up? ये देखो भूखड़ खा गई सब। सब चार प्लेट दो, खा गई। कटिंग चाय पी गई। मैंने नहीं पिए चाय, कुछ और भी खाया। ये देखो ध्यान से देखो इस चेहरे को,
गाइस डू कम हियर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कैसा लग रहा है, आज मम्मी का व्रत है? और व्रत नहीं तो क्या हो गया, व्रत है तो मौन व्रत थोड़ी मौन व्रत नहीं है ना मौन व्रत नहीं है, पर व्रत है तो मम्मी के लिए स्पेशल। अभी साबूदाना का वड़ा आ रहा है तो मम्मी साबूदाना का वड़ा खाएंगे और हम लोग भी उसमें से भाजी मारेंगे। डिनर हमारा हो गया है एंड डिनर वॉज सो गुड। अभी के लिए गुड नाइट, रूम में जाएंगे, थोड़ा सा ऐसी वॉक कर रहे हैं एंड देन फिर रूम में जाके या विल हैव अ गुड नाइट स्लीप। तो आपसे सुबह को मिलेंगे। द नेक्स्ट डे सो वी आर गोइंग फॉर मॉर्निंग सफारी। 6 बजे का टाइम था, हम 10 मिनट ही लेट है, ज़्यादा नहीं। एंड यप, फिंगर्स क्रॉस, होपिंग कि कुछ देख जाए, कुछ स्पॉट कर ले हम लोग। सुबह सुबह इसी लड़की ने लेट करवाया। शट अप। Later. हाँ मम्मी ने जवाना मरी। कैसा लगा टाइगर दिखा हम लोगों को? थोड़ा सा देख भाई, टाइग्रेस थी, टाइग्रेस थी। यस, मम्मी को नहीं दिखा, हम तीनों को दिखा। एक गलती हो गई आज कि मैं कैमरा नहीं लेके गई थी। मुझे लगा कैमरे का थोड़ा सा प्रोहिबिशन होता है कई जगह पे, और विच वॉज स्टूपिड आई नो, तो मैं नहीं लेकर गई और हड़बड़ी हो गई थोड़ा सा। और फोन अलाउड नहीं था दाड़ूगा में, 3 साल से फोन अलाउड नहीं है। तो इफ यू आर गोइंग कमिंग हियर तो आप लोग ध्यान जरूर रखना कि फोन अलाउड नहीं है, तो कैमरा अगर है तो लेके जाओ, अदरवाइज मेरे जैसा हाल हो जाएगा। लेकिन मैंने पिक्चर नहीं क्लिक किया, बट स्टिल मैं चेक करूंगी आज इंस्टा स्टोरी में, अगर यहाँ से क्यों गए होंगे, किसी ने डाला होगा तो वो मैं शेयर कर दूंगी यहाँ पर कहीं पर पिक्चर। हमने टाइगर्स देखी तो मैं तो उससे खुश हूँ। ब्रेकफास्ट एंड टाइम हो गया है कि हम इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को अलविदा कहें। सारा सामान वगैरह मम्मी पैक वैक कर रहे हैं रूम में, हम लोग थोड़ा ऐसी कुछ कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। बाय द वे आज वेदर काफ़ी खुला खुला हो गया, 2 दिन से बड़ा क्लाउडी था, बट इट्स वेरी नाइस एंड क्रिस्प, काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, बट थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है। तो यप, टाइम, इट्स टाइम टू लीव नाउ। चलो थई गई पैकिंग। नाउ सेइंग बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम, होपफुली वी विल सी यू सून, हमारे फैमिली के और भी बहुत सारे मेंबर्स को लेके।
ये फूल बहुत ही अच्छे हैं, मैचिंग. या मैचिंग टू माय आउटफिट. बाय द वे ऑरेंज इज माय मोस्ट फेवरेट कलर. लेट्स गो. अभी घर वाले बहुत ही डार्क ऑरेंज कैंडी. Isn't she is looking like an orange candy which we used to have like in our childhood? Yeah, I'm going to put this here. Crazy girl. Tidding. Chalo chalo, aa gaya. Okay, bye. Bye bye. Taado pa jungle. Kya kar rahi hai? तो पापा भी एक स्टोरी बता रहे थे क्या, जब पुराने टाइम पे हमारे जमाने में जब पिक्चर देखने जाते थे टॉकीज में, साइकिल जमा करते थे, उसका जो टोकन देता था वो उसको हम लोग ऊपर की जेब में ही रखते थे खास करके. और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में छू छू के देखते थे कि कहीं गिर मत जाए. अगर वो बिल्ला अगर या टोकन गिर गया तुमको तो साइकिल देने में इतनी आना गानी करता था वो. दो घंटा चार घंटा मुंबई नहीं देखते थे, 30 बार बिल्ला देखते थे कि गिर मत जाए बोल के. हाँ, पर साइकिल उसके बिना देख ही नहीं करते. देखने का क्या, कहाँ गिर जाएगा. पहले की मूवी होती भी तो 4-4 घंटे की थी ना. जमाने में क्या मिलता, हमारे जमाने में 6-6 घंटे वाली भी देखे थे. अरे बाप रे, 6 घंटे. 3 बार इंटरवल हुआ था भाई. और कौन सी मूवी? मेरा नाम जोकर. अरे हाँ हाँ हाँ, नहीं यार वो मूवी बड़ी है. दो बार तीन बार इंटरवल होते तो क्या समोसे खाते थे, 1 रुपए के 2 समोसे. अरे बाप, प्लास्टिक. एक्चुअली अभी हम लोग सूर्यवंशी की बात कर रहे थे, उससे मूवी की बात आई. तो मूवी की बात आई तो पापा स्टार्टेड शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस लाइक पुराने जमाने वाले. 10 रुपए की बालकनी. अभी पुराने पुराने गाने भी चल रहे थे आकाशवाणी में, इसलिए सब ऐसे पुरानी यादें ऐसे ताजा हो गई. अभी बस हम पहुंचने ही वाले हैं घर थोड़ी देर में.